हर साल लगभग 60 से 70 शादियों में ये बर्तन फर्नीचर वगैरह से मदद करते हैं, और हर साल लगभग पाँच सात अभी एक दो साल कोरोना में थोड़ा सा डिस्टर्ब रहे हैं, नहीं तो जिस रफ्तार से ये सेवा कर रहे हैं, वो हो गया कन्यादान हो गया या गरीब मरीजों का इलाज हो गया, चाहे आपके सामने ये एम्बुलेंस खड़ी है, एम्बुलेंस लगातार पंचायत में अपनी सेवाएं दे रही हैं। चलिए कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्शन, कहीं ना कहीं समाज सेवी का मतलब यही है कि आप लोगों के काम आ रहे हैं। झूठ मूठ का आप दारू पी लीजिए शाम को और हाँकिए लंबी लंबी बातें, तो वो समाज सेवा नहीं है मेरे हिसाब से, तो समाज सेवा का यही अर्थ है आपके हिसाब से। अगर हमारा से इतना बड़का मिस्टेक हो जाए तो नायका लोग तो प्रमुख ना प्रधानमंत्री बने के कहे लगी तो ऐसे हमारे वहाँ से ये कहे कि उ प्रमुख पहले भी हम बने खातिर जनता से वोट मांगले रहनी और फिर उ प्रमुख बने खातिर ही वोट मांगत रहनी। अब पर जो विरोधी बा उ तो बिना काम के काम वैसा बात करता कि कबो कबो हमार आत्मा गवाही देता माने मन करता कि जो झूठ पर झूठ एमे लोग मुद्दा ये उठौल रहे कि जितना लोग के शादी ब्याह में ये करल तो भगवान ये विरोधी एक दू जगह यो कहल रहे कि शादी ब्याह करावल तो पंडित जी कहल बड़े का कि तू लोग के कन्यादान ना देव शादी में बर्तन ना देव तो उम्र जो है यही खातिर कर सुखे ना कर दुखे अपना ये सब कर इो लोग कहता अरे कितना शराब हाँ शराब यो लोग कहता कि बाबा धाम जा ले तो बाबा धाम जाला तो शिविर लगा दिले बड़का बड़का सेठ के 10 लाख 20 लाख दे दिला आ चल कि निःशुल्क मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल हर चीज़ यानी कि एमे निःशुल्क ही व्यवस्था हमनी के माध्यम से करे के बा, मतलब 100% बार लोग के विश्वास हो जाओ कि कबो पैसा में ना लगी जी। अभी हमनी के सोच बा कि जब तक हम जिंदा बानी तब तक तक पैसा ना लगी, अब मरल के बाद बेटा लोग का करी एक गारंटी निखिल जा सकत, लेकिन जब तक हम जियत बानी तब तक तो एमे एक चीज़ और सुने में आयल ह कि रउआ नर्सिंग अस्पताल खातिर, मतलब नर्सिंग कॉलेज खातिर रउआ दिमाग में इशारा दिमाग में आयल बा कि लड़की सन खातिर मतलब सोचा था इनरोलमेंट ओकरा बारे में जी। हम रउआ के ही बता दें कि हमारा कोरोना काल के पहले से भी एगो अस्पताल बनाव के हमारी इच्छा रहे लेकिन कोरोना काल में ही हमारा के तेजी पकड़ा धलक, क्या कि ओकर भूतभोगी हम हो गए नहीं तो वो बारा से ही हमारे 3 गो लक्ष्य बा जाए कहे कि जनता यहाँ हमारा के इतना वोट जे प्रत्याशी बात कहता ओकरा खुश हो जाए के चाहे कि जहाँ रुआ निकलत नहीं रुआ घर के लगे ही हरजन टोली बा टोली के लगे ही रोड बनल बा आ ई रोड रुआ निखे दिखाई दे तो पंचायत के पूरा क्षेत्र के रोड कैसे दिखाई दी कहीं ना कहीं वहाँ के घर से स्टार्टिंग बराबर हाँ जी कहीं ना कहीं। चलिए हम के हो सर नाम ना लेम कैसे विपक्षी बड़े उनका काम बा विपक्ष के भूमिका निभाओ। आपको पता होगा कि पूरे बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव चल रहा है और इस पंचायती चुनाव में सभी लोग अपना दमखम भर रहे हैं। आज हम ऐसे शख्सियत से बात करेंगे जो पर्चे का मुमताज नहीं है। ये जो लोग आपके कैमरे में नज़र आ रहे होंगे ये इन्होंने पैसा दे के नहीं बुलाया है और ये जो दृश्य आपके सामने नज़र आ रहा होगा, ये बोर्ड्स जो आपके सामने नज़र आ रहा होगा, ये जो बोर्ड है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ याद दिलाता है, जब कोरोना काल में साहब जब पैदल आया था लखनऊ दिल्ली से मुंबई से 5-5 सौ 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार किलोमीटर पैदल जब चल के आए थे तो सबसे ज़रूरत अगर किसी चीज़ को अगर कमी खली थी तो वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऑक्सीजन के क्षेत्र में और मेडिसिन दवा के क्षेत्र में ज़रूरत पड़ी थी। साहब आपके नज़र आ रहे होंगे टोपी लगाए हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ऐसे क्या दिमाग में आई कि ये सारी चीज़ें दवा इलाज एक्सरे यानी ऑल टू ऑल जो मेडिसिन्स के क्षेत्र में मेडिकल के क्षेत्र में ऑल टू ऑल सब कुछ फ्री मिलेगा आपको, ऐसे क्या आया, क्या इनके पास ज़्यादा पैसा है, ट्रस्ट चलाए हैं या ब्लैक मनी है, इन सभी चीज़ों पे चर्चा होगी। अब मैं अपना परिचय दे देता हूँ, मैं दीपक सिंह कश्यप और अब बात आपकी देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले चाचा राहुल स्वागत बा चैनल में, हमरो तरफ से राहुल स्वागत। पहला सवाल रही चाचा, कोरोना काल में बहुत सारा दिक्कत हो गई, का अचानक रुआ दिमाग में आई कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट रुआ जौन की निःशुल्क शुरू करनी पूरा पंचायत खातिर ब्लॉक लेवल खातिर, का दिमाग में जी? हमारा दिमाग पर आयल जब कोरोना के पीरियड आयल तो कोरोना के पीरियड में हम देखने कि बहुत लोग दवा के अभाव में कुछ पैसा के अभाव में अस्पताल के अभाव में अपन दम तोड़ रहा जौना के भूतभोगी हमरो परिवार के लोग भइल। तो वो बारा हमारा दिमाग पर आयल कि हमनी एगो मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का निर्माण करावल जाओ जौना से कि हमारा गाँव जवार ये क्षेत्र के लोग के सुविधा मिले
और यहाँ फ्री सेवा इलाज हो जाओ। काहे कि हम देखते नहीं कि बहुत ऐसा गरीब लोग बा जो पैसा के अभाव में अपन इलाज नहीं करा पाओत। और आज के डेट में हम ये भी रुआ से कहे कि जो धनी बा पैसा वाला बा वो तो गोपालगंज पटना गोरखपुर दिल्ली बम्बई कानपुर जहाँ भी पैसा के बल पर जाके इलाज करा ली। कहीं ना कहीं ठोकर लगला के बाद आदमी दिमाग खुला, मिस्टेक इज द फर्स्ट टीचर कह सके नहीं वो कहीं ना कहीं ये चीज़ के एहसास भइल कोरोना काल में ही। कोरोना काल में बहुत लोग आत्मनिर्भर बने के कोशिश कैलक। रउआ अपना पंचायत खातिर आत्मनिर्भर चाहे एजी के रोजगार खातिर का सोचले बनी? हम एजी के रोजगार खातिर लोग यही सोचले बने कि जैसे अस्पताल के जौन हमारे के न्यू धरा के निर्माण हो रहा बा एमे भी बहुत लोग के रोजगार मिली। और साथ साथ जो हरिओम फिट प्राइवेट लिमिटेड जौन हमारे कंपनी बा आज भी ओमे भी अपना पंचायत से लगभग 47 आदमी ओमे कार्यरत बा और अगल बगल गांव से बहुत लोग कार्यरत बा जो रोजी रोटी चलता। प्रमुख के भी उप प्रमुख के भी हैसियत से कैसे कि वह ब्लॉक लेवल के प्रतिनिधि भी बानी। 5 साल के जौन कार्यकाल रहल ओमे कुछ ऐसा काम गिनाई जौन तरह से भइलो के? नहीं, 5 साल में जौन सरकार के द्वारा पंचायत समिति के फंड मिलल ओकर अधिक से अधिक राशि हमनी के ले आके अपना पंचायत में विकास कराओल गई। आओ विकास में रुआ लोग था कि रोड भी अपने 4-5 काम फटाफट गिनाई। हाँ, जैसे रोड भी अपने के यहाँ बनल बा और कुछ प्रत्याशी लोग इहो कहता कि जो रोड बनल आज तक 5 साल के रीजन में आ 5 साल पहले भी रहले तो रोड भी कहीं ना बनल तो जे प्रत्याशी बात कहता ओकरा खुश हो जाए के चाहिए कि जहाँ रुआ निकलो तेने रुआ घर के लगे ही हरजन टोली बा टोली के लगे ही रोड बनल बा आ ई रोड रुआ निखे दिखाई दे तो पंचायत के पूरा क्षेत्र के रोड कैसे दिखाई दी? कहीं ना कहीं वहाँ के घर से स्टार्टिंग बड़ा उड़ा। हाँ जी, कहीं ना कहीं चलिए हम के हो सर नाम ना लेम कैसे विपक्षी बड़े उनका काम बा विपक्ष के भूमिका निभाओ। अब सीधे चलल जाओ पंचायत के विकास के बारे में जो 5 साल के अंदर कार्यकाल बाकी रही, मतलब 5 साल में कौन ऐसा काम जो छूट गए जौन पर विशेष रूप से ध्यान दिए? जी, 5 साल में जो सरकार के योजना आई वो योजना के अनुसार हमने काम करें और हमने के माने उप प्रमुख के जो हम चुनाव लड़े खातिर जब पंचायत समिति के चुनाव लड़ रहा बनी, अगर उप प्रमुख के चुनाव ना रही तो हम पंचायत समिति के चुनाव भी ना लड़ती, लेकिन उप प्रमुख के चुनाव खातिर ही लड़ते नहीं। रउआ जान लें कि पंचायत समिति के फंड कम आवेला, एक बावजूद भी कुछ समिति लोग बेचा जला बेचल किनल तो हम ना कह लेकिन माने कुछ समिति लोग से हमने मैनेज करके ओकर काम हमने ले ली ले जो कि एक उदाहरण सरभरा पंचायत भी बा कोई वे टाइप के भइल भी बाटे कि अपने के यहाँ के 1 रुपया के फंड काम ना भई रहे और ये फंड कहीं दूसरा ठेन चल गई जाना मैं अपने के यहाँ के आज 6 महीना 4 महीना पहले जो काम भइल हुए हरजन टोली में जो रूट के काम भइल तो अपना पंचायत के फंड ना रहे वो कहीं दूसरा पंचायत के दूसरा समिति के फंड रहे ओकरा के हमनी के मैनेज करके आपस में तालमेल करके वो फंड हमनी यहाँ ले करौनी। आ ए टाइप के भी जब पंचायत समिति के जब फंड आवेला तो कुछ समिति लोग जो काम ना करावेला ओकर फंड मैनेज करके अपना पंचायत में कल जाला। और साथ साथ अभी तक तो हमारा तरफ से बहुत ऐसा काम भइल बा अब गिनावल का जाए गिनावेला विरोधी लोग ही गिनावे प्रयागन जन प्रयागन लौकत रहा बड़का एमे का खाली रउआ कैसे ब्लॉक लेवल के रउआ आदमी बानी उप प्रमुख बानी अभी बानी आगे भी तैयारी होई तो रउआ से सीधे ई जानल चाहें कि एमे कहाँ कहाँ के लोग के इलाज होई आ के तरह के इलाज होई क्या पैसा लहल जाए या हो सकेला कि रउआ चुनाव के बाद जीतला के बाद कहीं जना हम पैसा लेम? जी, कहे के मतलब बा कि राहुल बात नहीं सत्य बा कि आगे पैसा लेम कि ना लेम, लेकिन हमने बोर्ड पर एक लिख चुकल बनी कि निःशुल्क मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल यानी कि एमे निःशुल्क के ही व्यवस्था हमनी के माध्यम से करे के बा। मतलब 100% बार लोग के विश्वास हो जाए कि कबो पैसा में ना लगी? जी, अभी हमनी के सोच बा कि जब तक हम जिंदा बानी तब तक तक पैसा ना लगी, अब मरला के बाद बेटा लुका करी एकर गारंटी नहीं लिया जा सकत, लेकिन जब तक हम जियत बानी तब तक तो एमे एक चीज और सुनने में आयल हम कि रउआ नर्सिंग अस्पताल खातिर मतलब नर्सिंग कॉलेज खातिर रउआ दिमाग में इशारा दिमाग में आयल बा कि लड़की सन खातिर मतलब सोचा था एनरोल बन ओकरा बारे में? जी, हम रउआ के ही बता दें कि हमारा कोरोना काल के पहले से भी एगो अस्पताल बनाव के हमारी इच्छा रहे, लेकिन इच्छा रहे लेकिन कोरोना काल में ही हमरा के तेजी पकड़ा धलक क्या कि ओकर भूतभोगी हम हो गई नहीं तो वो बारा से ही हमारा 3 गो लक्ष्य बा
जाए क्या कि जनता यहाँ हमरा के इतना वोट दिला रहे कि जिला स्तर पर भी देखल जाओ तो उतना वोट क्यों के ना मिला रहे, रिकॉर्ड तोड़ वोट मिला रहे। इस सब लोग के जौन वोट दहल जौना से हमारा अंदर से उत्साह जागल आ उत्साह के बदौलत हम पहलका हमार तीन गो लक्ष्य बा। जौन तीन गो लक्ष्य में एक पहलका लक्ष्य जौन अस्पताल फ्री सेवा जौना के शिलान्यास करा के काम भी वह सामने चल रहा बा। दूसरका नंबर कि हमारा जौन यहाँ हम लड़की के शादी ब्याह में मदद करी ले, शादी करावे नहीं यहाँ के साँचो के झूठो नाचो झूठ मत बोले नाचो अब यहाँ के मुँह पकवा मुँह पकवा था नहीं ना झूठो के बकवा ले लाओ कोई के हमरा बेटी के दान के कोने दान दिले देनी रुवा बेटी कोने दल बनी ना कोने दान ना बर्तन दल बनी एक सीट। चलिए ई उत्तम विचार बा, होके के चाहिए कहे से कि लड़की के शादी करावल में सहयोग कर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मानल गई बा। चाचा आगे दूसरका नंबर लड़की के जब हम शादी ब्याह में मदद कर ले तो हमारा मन के अंदर एगो आई कि लड़की लोग बहुत ऐसा गरीब लड़की बाड़ी जेकरा पैसा के अभाव में 30,000-40,000 बाहर पढ़े में लगेला। तो हमने के एगो मेडिकल जौन जैसे अपना विषय मान लगे मेडिकल इंस्टीट्यूट टाइप से जौन भी व्यवस्था बा मेडिकल इंस्टीट्यूट हमारा माध्यम से खोले के भी एगो सपना बा। आ हम कोशिश करें कि 5 साल के अंदर ओकरा के भी खोली। और तीसरका भी सपना हमार बा कि अगर हम जिंदा बानी जिंदा रह गई नहीं तो ए जी एगो वृद्धा आश्रम भी खोली। अब वृद्धा आश्रम भी खोले के प्रोग्राम बा क्या आज धीरे धीरे हम बुढ़ा तनी आ बुढ़ाए तो वृद्धा आश्रम रही तो 10 साथ रही आ हमरे कहीं जरूरत पड़ जा या बहुत पंचायत के लोग के जरूरत भी बा तो हमारी माँ की जरूरत पड़े या ना पड़े भगवान तो उम्मीद नहीं है कि हमरे जरूरत पड़ी लेकिन हमरा ही जरूर भगवान ना करे कि मैं लोग आवे। और ये अस्पताल में हम आजो कर जोड़ के भगवान से प्रार्थना रोज कर ले कि हम अस्पताल जरूर बनावते नहीं लेकिन हमारा पंचायत के लोग के तबीयत खराब मत होके कि हमारे पंचायत के लोग में आके सीट भर ले रहे तो ये अस्पताल हम एगो पर्सनल पंचायत खातिर तो जरूर खुलल बा लेकिन पंचायत के साथ साथ अगल बगल के 20-25 गो गांव ऐसे लाभान्वित हुई और लाभान्वित से ए जी कोई खाना बनाई कोई चाय बनाई कोई पकौड़ी बनाई जौना से भी ए जी के जनता के अंत में एक छोटा सा मैसेज लोग से बात करें अंत में कुछ ऐसा चीज जन छूट गए लोग लोग से निवेदन कैसे बहुत तरह के प्रक्रिया अपनावल जाए चुनाव में पंचायती चुनाव में रीमर फैलला बहुत सारा रीमर फैली कुछ लोग दारू पैसा सारा चीज़ पर वोट मैंने हर जगह होता तो रुबा ऐसा लोग से निवेदन करल चाहिए कोनो चीज़ बात जी हम जनता से यही निवेदन करें कि रुबा हमारे के जौन वोट धनी जौना वोट के हम बदल के ऊ प्रमुख के सीट ले आके रुबा के धनी और फिर हमारे वादा भी बा कि रुबा फिर हमारा के वोट अगर दे तब फिर रुबा के यहाँ ऊ प्रमुख हो फिर ऊ प्रमुख हमने लेके आए। और साथ साथ बहुत लोग यो कहता कि वहाँ के प्रमुख बन के कहतनी आ प्रमुख रिजर्व बा तो हम यो वहाँ से कहे कि 5 साल ऊ प्रमुख हम रह चुकल बनी अगर हमारा से इतना बड़का मिस्टेक हो जाए तो नायका लोग तो प्रमुख ना प्रधानमंत्री बन के कहे लगी तो ऐसे हम वहाँ से ये कहे कि उप प्रमुख पहले भी हम बने खातिर जनता से वोट मांगले रहनी और फिर उप प्रमुख बने खातिर ही वोट मांगत रहनी। अब पर जो विरोधी बा उ तो बिना काम के काम वैसा बात करता कि कबो कबो हमार आत्मा गवाही देता माने मन करता कि जो झूठ पर झूठ एम लोग मुद्दा ये उठौल रहे कि जितना लोग के शादी ब्याह में ये कर ले तो भगवान ये विरोधी एक दू जगह यो कहल रहे कि शादी ब्याह करावल है तो पंडित जी कहल बड़े का कि तू लोग के कने दान ना देव शादी में बर्तन ना देव तो उम्र जो ही है यही खातिर उ करल है सुखे ना करल है दुखे अपना ये सब करल है यो लोग कहता यो लोग कहता अरे कितना शराफ हाँ शराफ यो लोग कहता कि बाबा धाम जाले तो बाबा धाम जाले तो शिविर लगा दिले बड़का बड़का सेठ के 10-20 लाख दे दिला आ चल अल तो हम 2-4-10 आदमी से प्रतिनिधि के बोला के कहो कहीं गे बाबू तुहो खालिए बड़ो हमारे साथ चल तारा के हम जमीनों दे देने कहो तो एगो टेंटो उजी लगवा दे आ तुहो 10-20 लाख कमा के चली आओ तुहो तो हाथ गोड़ वाला बड़ो कैसन बात नहीं है तारा हाथ गोड़ नहीं खे तू हाथे गोड़ वाला बड़ो भगवान तोरों को हाथ गोड़ दिले बड़े तो तुहो चलो सेवा करी हो आ 10-20 लाख तू हमारे खानी कमाई हो। लेकिन सवाल भाई कि आज के डेट में निमन काम करे वाला के प्रोत्साहित करे के चाहिए कहता नहीं कि हमने के अस्पताल खोल रहा बनी तो ये अस्पताल में जौन फ्री सेवा हमारा तरफ से बा जनता अगर हमार मान सम्मान मनोबल के अगर बढ़ा दी एगो छोटा एक वोट दे के हमार मान सम्मान बढ़ा दी
आ कल मान के चली कि धनी के हम अबे ना करी लगे पैसा बा आ गरीब कल आई कल ओकर फ्री में हम इलाज कर देब अस्पताल में सब कर देब लेकिन अगर वो रेफर करे लायक बा वो व्यक्ति रेफर करे लायक बा तो वो पीरियड में रुआ हमरा के पदवा दिले रहे जनता हमरा के ये पदवा बैठल रही तो सन से रुआ के कह दे कह जी ये व्यक्ति के 5,000-10,000 रुपये लागी रुआ दी लेकिन जहिया रुआ हमरा के पद पर ना रखे तहिया रुआ भी सोचे के पड़ी कि केंगन हम मांगी आ हमरो सोचे के पड़ी कि केंगनी हम दी। एक चीज भोजपुरी में आज बात करे के ऐसे मकसद भले कि पंचायती चुनाव बा बहुत सारा महिला लोग के समझ में आई वही से भोजपुरी रुआ से बात करें ई का पंचायत चुनाव के दरमियान या ये मतलब कहीं चुनावी चुंगला तो नहीं कही एक बाद पंचायत चुनाव मतलब कब तक रेडी हो जाए सीधे सवाल जी एकरा के हमने के लक्ष्य बा कि एक साल के अंदर हमने एकरा के बना के अस्पताल के तैयार करी लेकिन यो हमने के सोच बा कि एक ताला भी अगर हमार बन जाता तो कम से कम ओपीडी के काम हम फरवरी में चालू कर दी इसे हमार सोच बा और ऊपर वाला के मर्जी के तो जवाब लिखे दल जा सकत लेकिन हमने के फरवरी में एकरा के उद्घाटन करके सोच बाकी एक हम चालू कर दी। सवाल सर सीधे आपसे रहेगा, मैंने भोजपुरी में इसलिए बात किया कि लोगों को समझ में है। सवाल सीधे सर आपसे रहेगा, समाज सेवी का मतलब क्या होता है? इन्होंने जिक्र किया कि एक मैं एक समाज सेवी हूँ, तो समाज सेवी का मतलब क्या होता है? जो समाज के लिए करे, पंचायत से हट के करे, राजनीतिक से हट के करे, मेरे हिसाब से वो होता है। आपके नज़र में क्या होता है? खुद को कहने के लिए हर दुनिया का हर आदमी समाज सेवी है, लेकिन समाज सेवा का असली अर्थ है कि हम लोगों से जुड़ रहे हैं, उसके तकलीफ को समझ रहे हैं। अगर एक समाज सेवी के तौर पे भी आप उपेंद्र बाबू को देख रहे हैं तो एक इनका योजना है कि कन्यादान योजना है। इन्होंने एक तरह से कसम ही खा रखा कि 101 लड़कियों का ये कन्यादान करेंगे। खुद पति पत्नी बैठ के उस लड़की के विवाह का सारा खर्च उठाते हैं, खुद पियरी पहन के ये बैठते हैं, लड़की का पिता बनते हैं। इस समाज के लिए गर्व की बात ये है कि इतना बढ़िया शख्सियत उस गरीब बेटी का पिता बना है। अब तक 31 बेटियों का इन्होंने कन्यादान किया है। हर साल लगभग, मैं भी इसी क्षेत्र से हूँ, हर साल लगभग 60-70 शादियों में ये बर्तन फर्नीचर वगैरह से मदद करते हैं और हर साल लगभग पाँच सात अभी 1-2 साल कोरोना में थोड़ा सा डिस्टर्ब रहे हैं, नहीं तो जिस रफ्तार से ये सेवा कर रहे हैं वो हो गया कन्यादान हो गया या गरीब मरीजों का इलाज हो गया, चाहे आपके सामने ये एम्बुलेंस खड़ी है, एम्बुलेंस लगातार पंचायत में अपनी सेवाएं दे रही हैं। चलिए कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्शन, कहीं ना कहीं समाज सेवी का मतलब यही है कि आप लोगों के काम आ रहे हैं। झूठ मूठ का आप दारू पी लीजिए शाम को और हाँकिए लंबी लंबी बातें तो वो समाज सेवा नहीं है। मेरे हिसाब से तो समाज सेवा का यही अर्थ है। आपके हिसाब से कौन कौन से समाज सेवा में काम आनी चाहिए जो ये करते हैं? हमारे यहाँ से तो बहुत अच्छा है, अस्पताल बन रहा है, अस्पताल बना है बहुत, मैंने 5 साल में बहुत कुछ किए हैं वो है। ठीक है, हमारे चाचा हैं बहुत अच्छे किए हैं, हम लोग चाचा ही तेजी से बड़ाई करते नहीं, बड़ाई कहाँ करते हैं कि बड़ाई करते नहीं देखते हैं लोग नहीं देखते कि बड़ाई करते हैं कि शिकायत करते नहीं वहाँ क्या क्या कोयले बनी क्योंकि आज बहुत लोग वहाँ के पहले लोग रहे हैं प्रमुख चाहे कुछ भी तो क्यों ऐसा थोड़ा सारा क्यों करा क्योंकि बेटी के भी आ कर दी। जी सर बोलिए। एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश स्तर पे हम बात करें तो एक ये मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल वो भी निशुल्क अपने आप में एक उदाहरण है। एक तरह से कह रहे हैं कि बिहार के लिए अजूबा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी भी समाजसेवी ने निस्वार्थ भाव से अब तक इस बिहार को नहीं दिया है, दावे के साथ कह सकते हैं कि इस पूरे बिहार को नहीं दिया है। और एक छोटे से गांव के छोटा सा आदमी इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आया है, लगभग 2-2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिया। मेरा चैनल का फर्स्ट इंटरव्यू इनके द्वारा स्टार्ट हुआ था। आज अगर हम भी अगर मेरा चैनल ये रहा तो सबसे पहला इंटरव्यू मैंने इनका ही लिया था। मेरा चैनल का स्टार्टिंग दौर पर मैंने उस पर जिक्र भी किया था पूरे बिहार में ये अगर ऐसा होता है, अभी तो हम फिक्स नहीं कर सकते कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर होता है तो वन ऑफ द बेस्ट होगा पूरे बिहार लेवल पे, जहां अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा इस चीज़। अगर हम इनको पंचायत प्रतिनिधि के भी तौर पे देखें तो आप सामने देख रहे होंगे ये बिजली की जर्जर तारें थी पहले, और पंचायत समिति के तौर पर ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी जो होती है उसके ये मेम्बर भी हैं उपप्रमुख के नाते, उसमें इन्होंने जोर शोर से इन जर्जर तारों को बदलने के लिए मांग उठाया। इसी पंचायत के कुछ ठेकेदारों ने काम भी कराया और आज हर घर बिजली है, जर्जर तारों से मुक्ति है। तो आप इन्हें समाज सेवी के तौर पर भी जज कर सकते हैं और एक जनप्रतिनिधि के, और दोनों में मेरे हिसाब से 100% अपना परफॉर्मेंस किए हैं। सवाल कुछ यंगस्टर से हो गया, अब कुछ बुजुर्गों से बात करना जरूरी है क्योंकि समाज के लिए बुजुर्ग का एक आईना होता है जो हर एक दिशा को दिखाते हैं। चाचा रहुआ से बात करल चाहें, यहाँ के जितना बात कनी हो उनमें सच्चाई कितना? सच्चाई तो बहुत कनी है, जितना बार कैले बनी उतना बार काम बहुत बढ़िया कैले बनी आ कर जन सामने बने जाता
अगर ये बन के तैयार होता तो बहुत बढ़िया चीज हो, बहुत बढ़िया चीज हो, बन जाये। गरीब खतीरा बहुत आराम हो जाई, नजदीकी हो जाई। सर सीधे सवाल आपसे एक रहेगा, ये अगर हॉस्पिटल तैयार हो जाती है, सब कुछ सर बता रहे हैं सब कुछ फ्री हो जाएगा, तो यहाँ के लोगों के लिए कि अन्य जिला या कुछ भी लोग आते हैं? देखिए ये जो हॉस्पिटल बन रहा है मानव सेवा के लिए बन रहा है, पंचायत अपना, पंचायत अपना घर, बगल के पंचायत, जिला, बिहार, पूरे देश, पूरे विश्व के अगर कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो उसका इलाज इसमें निःशुल्क होगा। हाँ, ये नहीं कि अपना ये हाँ, दिखाओ यहाँ का तुम। हाँ, यहाँ का आई कार्ड दिखाइएगा तभी आपका हाँ, इलाज होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, इसमें पूरे विश्व के जो भी मानव हैं उनके इलाज में अगर कोई भी दिक्कत है यहाँ हो सकता है तो उनका इलाज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। इन्होंने बहुत बढ़िया बात कहा कि पूरे विश्व के सामने एम्बुलेंस है, अभी निशुल्क चल रही है, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कहा कि पूरे विश्व का लोगों का कल्याण होगा इनके द्वारा, जो ये नहीं कि आधार कार्ड दिखाइए कि तू ये पंचायत का हुआ कि ना, तू बढ़िया का हुआ कि कहाँ का हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं होगी उसमें। और कुछ महिलाएँ से हम बात कर ली, अब किर वोट आयल बा तो का यहाँ के वोट देम लोग? हाँ दिया है। का है? काहे न दिए, बढ़िया आदमी बने। जितना प्रत्याशी लाइन सब केहू कही जे हम बढ़िया है, केहू कहला कि हम चोर बनी? ना केहू ना कहला, ना प्रमुख बन तब से गौशाला बनैले बनी, लड़की सन के शादी करेनी, सब कुछ करेनी, तो यहाँ के वोट ना दिए तो दिया केकर के? चलिए अंत में आप किसी को कुछ कहना नहीं ना है? क्या कहें, जितने कहना था सब लोग कह दिए हो गया। चलिए आप देख रहे थे बात आपकी, मैं